उद्धव जी को समझ नहीं आ रहा मैं बोलूं क्या। वो वहां से चुपचाप चले गए। थोड़ी दूर गए, कुछ गोपियां बैठी है, बातें कर रही है आपस में। एक कहे, अरे ये सोने का रथ किसका है? उद्धव जी सोने के रथ में आए थे, मथुरा का रथ है। बोले, सोने का रथ किसका है? दूसरी ने कहा, तुझे याद नहीं, इसी रथ में तो वो अक्रूर आए थे कृष्ण को ले जाने। मथुरा का रथ है, अक्रूर जी भी इसी रथ में आए थे। तो बोले, अब क्या लेने आए हैं? बोले, वो कंस की मृत्यु हो गई है ना, उसका श्राद्ध होगा, मांस लेने आए होंगे। श्राद्ध में मांस कौन परोसता है? अरे बोले, दैत्यों के श्राद्ध में मांस ही परोसा जाता है। बोले, वो भी यहां कहां मिलेगा, हम तो दूध दही का माखन का काम करते हैं। बोले, ये मथुरावासी बहुत चालाक है, इनको पता है जब से कृष्ण गया है यहां सब मरे घूम रहे हैं, किसी में जान नहीं है। जिसमें जान नहीं है उसका हृदय निकाल कर ले भी गए, क्या फर्क पड़ता है? और हम प्रेमी हैं, प्रेमियों का हृदय मीठा होता है। इन्होंने तो अपने स्वाद का भी ध्यान रखा है। तो दूसरी गोपी कहती है, तो तुम्हारा हृदय मांगेंगे तो तुम दे दोगी? वो कहे, क्यों नहीं, मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो होगा, वो दूर से देखकर पहचान जाएगा ये किस गोपी का हृदय है, हम उसे नहीं देख सकते, वो हमारे हृदय देख ले कि हमें कितनी तकलीफ हो रही है, उसको मजाक लगता है ये सब। ऐसे भाव एक बार मीराबाई के थे। मीराबाई एक दिन पेड़ के नीचे बैठी भजन गा रही है, भगवान को बुला रही है, असल में उनको दर्शन करने हैं, भगवान आ नहीं रहे, परीक्षा ले रहे हैं। अब वो गाए जाए रोए जाए, गाए जाए रोए जाए, भगवान आ नहीं रहे, वो परेशान हो गई। परेशान हो गई तो उस पेड़ के ऊपर एक कौआ बैठा है, वो बहुत आवाज कर रहा है, तो वो उससे ही बात कर रही है, को लग रहा है कोई मिल नहीं रहा, हम इसी से बात करो। तो उससे क्या बात कर रही है सुनिए। कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा। तुझे भूख लगी इसलिए आवाज कर रहा है ना, मैं कलेजा निकाल के देती हूँ खाने के लिए, लेकिन एक शर्त है, यहां नहीं खाना। कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा, और जादे सामारो पिया बसे वो देखे जादे सामारो पिया बसे वो देखे। वो देखना चाहिए तब खाना, उसको दर्द समझ में आए, उसको मजाक लग रहा है ये सब। आज गोपियों के भी यही भाव है, वो हृदय निकाल को देने को तैयार है। उद्धव जी आ रहे हैं, उद्धव जी फिर वही बातें समझा रहे हैं, ज्ञान मार्ग पर चलो, अरे तुम्हारे लिए संदेश भेजा है, ये रोना धोना छोड़ो। गोपियां पहले तो क्रोधित हो रही है, क्या लेने आए हैं, क्यों भेजा है, क्यों भेजा है, गुस्सा भी है ना उनके अंदर, तो पहले क्रोध उतार रही है। फिर जब उद्धव जी समझा रहे हैं कि इसीलिए भेजा है कि मन ज्ञान मार्ग पर लगाओ, गोपियां कह रही आप तो बड़े ज्ञानी हैं। बोले, हाँ है तो बताइए मन कितने होते हैं, बताओ दिल कितने होते हैं? एक गोपी कहती, वो तो कब का कृष्ण को दे दिया, अब है ही नहीं मन कहीं और लगाने को, वो वापस कर दे तो कहीं और भी लगा ले। दूसरी गोपी कहती, चलो ठीक है, अगर हमने मान लिया कि हम कोशिश भी करें तो फायदे भी तो पता होने चाहिए, कि मन कहीं और लगाने का फायदा क्या है, ज्ञान पर लगाने का
फायदा क्या है? उद्धव जी कहते हैं कल्याण होगा, स्वर्ग मिलेगा। वो कहे स्वर्ग के लिए सब ठोकर मारते ऐसे स्वर्ग को हम, जो हमें कृष्ण प्रेम से दूर कर दे। और अगर कृष्ण प्रेम में रहने से हमें नरक मिलेगा, जन्मों जन्मों तक नरक में रहने को तैयार है, कृष्ण को नहीं छोड़ सकते हम। उद्धव जी कहे अभी तो कह रही थी कि ऐसा है वैसा है, क्यों भेजा है क्या भेजा है, और अब कह रही है उसको नहीं छोड़ सकती। गोपियां कहती यही तो प्रेम है, प्रेम अगर हर किसी को समझ आ जाए तो हर कोई ना कर ले, बिरले ही होते हैं जो सच्चा प्रेम करते हैं। तो गोपियां कह रही है कार्य को छोड़ो जा सके, पर कार्य की कथा ना छोड़ी जाए। वो पास नहीं है ये सहन कर सकते, अलग हो गए कोई बात नहीं, उसकी बात ना करे, उसको याद ना करे, इस पर तो जिंदा है। जिस दिन ये खत्म उस दिन हमारी सांसें ना बंद हो जाए, सिर्फ उसकी बातों पर जिंदा है, यही प्रेम है हमारा। तो